हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारू चैन, वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम यूसीसी का टॉपिक, जो आपका सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का है। उसमें मैंने एक टॉपिक उठाया है, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस इन चाइल्ड डेवलपमेंट। मींस साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा है और बहुत ईजी है, आपको एक ही वीडियो के अंदर कवर आ जाएगा। तो ये टॉपिक मैं पूरा इस वीडियो में कवर करा दूंगी। इसके अलावा डीपीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से रिलेटेड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोई वीडियो देखनी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, मैं वहाँ पर वीडियोस के सारे लिंक अवेलेबल करा दूंगी। या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। पहले हम देखेंगे कि साइकोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है, एंड फिर हम देखेंगे न्यूरोसाइंस का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज एसेंशियल टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन मीट देयर डेवलपमेंटल माइलस्टोन। चाइल्ड डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है कि जिससे हमें पता लगे कि जो बच्चा है वो अपना डेवलपमेंटल माइलस्टोन को पूरा पहुंच रहा है या नहीं, मतलब पूरा पार कर रहा है या नहीं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। इसके अलावा चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है वो रिलेटेड होती है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट से। देन जो हमारी ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये फोकस करता है डेवलपमेंट पर और बिहेवियर पर। मीन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट फोकस करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट पर और बच्चे के बिहेवियर पर। और ये हमें ये दिखाता है कि कैसे एक बच्चे का बिहेवियर जो है शेप होता है, मतलब कैसे मोल्ड होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। मींस अगर बच्चा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो बच्चे का बिहेवियर भी उतना अच्छा होगा। और अगर बच्चा हॉस्टिलिटी, एग्रेशन, वायलेंस में रह रहा है, तो बच्चा भी एग्रेसिव होगा, बच्चा भी हॉस्टाइल होगा। तो ये हमें ये दिखा रहा है। अब मैं बात करूँ साइकोलॉजी, मीन साइकोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है, साइकोलॉजी क्यों जरूरी है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। तो साइकोलॉजी जो है हमें बताता है कि हाउ एंड व्हाई ह्यूमन बीइंग्स चेंज ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, कि क्यों और कैसे ह्यूमन बीइंग्स चेंज होते हैं टाइम के साथ साथ। हमें ये पता होगा अगर साइकोलॉजी से, तो हम अपने आप बच्चे के डेवलपमेंट का भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि बच्चे का किस टाइम पे क्या डेवलपमेंट होती है, क्या होनी है। इसके बाद साइकोलॉजी हमें बताता है हाउ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर चेंज थ्रू आउट द लाइफ। मीन्स थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर, ये तीनों चीज़ें पूरे हम मतलब पूरे जब तक हम रहते हैं लाइफ स्पैन तक सेम नहीं रहती। और क्या होता है कि फीलिंग्स चेंज होती रहती है, हमारी बिहेवियर चेंज होते रहते हैं, और थिंकिंग भी एज के अकॉर्डिंग, माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो ये हमें पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी बताता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना या साइकोलॉजी पढ़ना इतना ज़रूरी इसलिए ही है क्योंकि इससे हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती है ह्यूमन बीइंग से। तो यही इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है कि साइकोलॉजी हमें बच्चों के बारे में अवेयर करता है, बच्चों की डेवलपमेंट बताता है, ये बताता है कि बच्चों का बिहेवियर किस टाइप से मोल्ड होगा, बच्चा कब कैसे कौन सा माइलस्टोन उसको अडॉप्ट करना है। तो ये सब चीज़ें जो है साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस बताती है। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। नेचर एंड नर्चर प्रोसेस ऑफ एनवायरनमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी नेचर और नर्चर प्रोसेस भी हमें बताती है। अब इसके बाद अगर हम आए न्यूरोसाइंस पे, तो न्यूरोसाइंस क्या है, अर्ली एक्सपीरियंस कहता है ये कि अर्ली एक्सपीरियंस मैटर बिकॉज देयर इज रैपिड डेवलपमेंट इन द अर्ली ईयर्स और फर्स्ट थ्री ईयर्स। मतलब ये कह रहा है कि जो स्टार्टिंग का बच्चे का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज स्टार्टिंग के थ्री ईयर्स में ही बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, बच्चे की ब्रेन की रैपिड ग्रोथ होती है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मीन्स अगर मैंने स्टार्टिंग में अपनी कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी कर ली, अपनी आर्ट स्किल्स अच्छी कर ली, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बातें की, मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, मेरी वोकैब्स अच्छी हो गई, तो आगे जाकर लाइफ में मुझे अल्टीमेटली उसका फ्रूट मिलना ही मिलना है। तो ये भी यही कह रहा है कि अगर अर्ली एक्सपीरियंस अच्छा होगा, वो मैटर भी करता है बहुत, तो आगे की लाइफ बच्चे की बहुत अल्टीमेटली अच्छी हो ही जाएगी।
हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो दिखाता है। अगर बच्चे का हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट रखना है या करवाना है तो बच्चे को हमें लविंग, केयरिंग और एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इससे बच्चे की नर्व्स और जो पूरा हमारा न्यूरोसाइंटिफिक जो हमारा अंदर प्रोसेस चलता है वो भी अच्छे से होगा। तो साइकोलॉजी न्यूरोसाइंस का एक बहुत बड़ा रोल है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर और बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल है। इसके बाद अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे हमारा ये सिर्फ टॉपिक इतना ही है और पेपर में भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 5 मार्क्स में ये आ सकता है, तो आप इसी को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। स्टिल अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।